अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बेसन की मिर्ची बनाएंगे, जो राजस्थान में बहुत बनाई जाती है। उसके लिए मैंने सौंफ, कलौंजी, जीरा, खड़ा धनिया और मेथी दाना लिया है, और राई ली है थोड़ी सी। ये मैं एक लेके सूखे मसाले और एक तरफ रख लूँगी। और ये मैंने करीब 4 चम्मच बेसन लिया है। ये मैंने गरम मसाला, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी, चाट मसाला और अमचूर लिया है। और ये मैंने मिर्चियाँ धो के साफ़ करके रख ली हैं। अब मैं आगे की प्रोसेस बताती हूँ आपको कि हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम मिर्चियाँ जो मैंने धो के रखी थी उनको मैं गोल 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 कट कर लूँगी। अगर ज़्यादा बड़ी लगेंगी मुझे तो मैं बीच में से कट कर लूँगी, वरना मैं इनको गोल 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 कट करके और रख लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं मिर्चियाँ। ये साइड डिश है लेकिन अच्छी लगती हैं, गर्मियों में अच्छी लगती हैं। और राजस्थान की बेसनी मिर्ची बहुत मशहूर हैं। तो इस तरह से मैं इसको काट लूँगी सारी मिर्चियों को। और दाल वगैरह के साथ जब हम इसको बनाते खाते हैं, पराठों के साथ, पूड़ी के साथ, तो बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें एक बार। और ये देखिए, बड़े जो थे उनको मैंने बीच में से धो करके काट लिए। और ये मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है थोड़ा सा, और ये जो मैंने ये सीड्स लिए थे, ड्राई सीड्स, इनको मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब ये क्रैकल हो जाएंगे, उसके बाद में मैं इसमें मिर्ची ऐड कर दूंगी। मिर्चियों की ये मिर्चियाँ थोड़ी क्रंची लगती हैं, अच्छी लगती हैं, ज़बरदस्त। देखिए आप, फटाफट बन जाती है। और एक दो चीज़ें दस्तरखान पे हो ना इस तरह की साइड डिश, तो वो इजी रहता है और अच्छा रहता है और खाने में ठीक लगता है। तो ये हो गई हमारी। अब हम इसमें मिर्ची ऐड कर देंगे। तो मैंने इसमें मिर्ची डाल दी हैं, और मिर्ची डालने के बाद में मैं इनको 2-3 मिनट के लिए बस उलट पुलट करूँगी थोड़ा सा, और हाथ के हाथ ही मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। ये देखिए, तो ये हो गई हैं। बस ऐसे ही क्रंची रखनी थी मुझे, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं इसमें अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, और थोड़ा सा कमी डालें क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। तो ये थोड़ा सा कम ही डाला है मैंने नमक, क्योंकि एक दो बार ऐसा हो गया था कि चाट मसाले को डालने के बाद में ध्यान नहीं रहता है कि इसमें चाट मसाला डाल दिया और नमक डबल डाल दिया, तो वो जायका बिगड़ गया था डिश का। तो अभी मैं उस चीज़ को ध्यान में रख के मैंने इसमें नमक ऐड किया है। मैं इसमें जो मसाले लिए थे हमने, ड्राई सूखे मसाले, इनको ऐड कर दूंगी इसमें। ये सारे मसाले हैं, इनको मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसको भी मुश्किल से 2 मिनट ही भूनूंगी बस, क्योंकि मिर्ची हमारी नरम नहीं होना चाहिए, बस ये ऐसी रहना चाहिए तो खाने में इनको क्रंची लगे थोड़ी सी, तो फिर ये ज़बरदस्त लगती हैं। तो ये हो गई है हमारी। और अब इसका जो मेन वो है वो डालेंगे हम इसमें, जो मेन इसकी थिंग है, मेन इंग्रेडिएंट है इसका, वो हम इसमें ऐड करेंगे, वो है बेसन। तो अब बस आ गया है वक्त बेसन डालने का। मुश्किल से मैं इसको 2-1 मिनट और भून लूँगी, तो बस ये आ गई, क्योंकि इसके मसाले मिर्ची में सारे जज्ब हो गए। अब हम इसमें ये बेसन डाल देंगे ऐसे ही। अब इसको हमें जब तक भूनना है, जब तक बेसन की खुशबू नहीं आने लगे कि हाँ बेसन भुनने, और तब तक हमें इसको चलाना है अच्छे से। तो मुझे ये थोड़ा बेसन कम लग रहा था, मैंने 4 चम्मच लिया था, तो मैं 2 चम्मच बेसन और इसमें ऐड कर लूँगी। और फिर हम इसे जब तक भूनेंगे तब तक बेसन की कच्ची सी स्मेल नहीं निकल जाती, और बेसन सारा अंदर तक भुन नहीं जाए। थोड़ा वक्त तो लगेगा इस प्रोसेस में, लेकिन ये हो जाएगा इजीली। तो आपको आँच इसकी तेज़ी रखनी है और यहीं खड़े रहना है, और सिम आँच नहीं करनी है। अगर आप इसकी सिम आँच कर देंगे तो मिर्ची गल जाएंगी हमारी, तो वो सोगी सोगी सी हो जाएंगी, तो वो अच्छी नहीं लगेंगी। मिर्चियों में क्रंच होना चाहिए। तो ये बेसन डाल दिया है। अब बेसन डालने के बाद में मैंने जो कम था मुझे लग रहा था, तो अब हम इसको अच्छे से 2-4 मिनट तक चलाएंगे। 3-4 मिनट लगे थे मुझे इसको करने में ऐसा, और लेकिन ये हो गया था। और अगर आपको ऐसा लगे कि मिर्चियों में से मिर्चियों की जो नमी है वो ख़त्म हो गई और बेसन सी चेंट रहा है, तो आप इसमें ज़रा सा पानी का हाथ लेके और इसमें छींटा लगा सकती हैं। उससे क्या होगा कि बेसन मॉइस्ट पकड़ लेगा और अच्छे से सिक जाएगा। तो बस मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मिर्चियों में था ऐसी नमी थी मिर्चियों में। तो ये हो गई है और आ गई है इसमें से खुशबू, लेकिन मैं फिर भी इसको 2-3 मिनट तक थोड़ी देर और चलाऊंगी इसको।
करीब 1 मिनट तक और अच्छे से भुनाई करूंगी इसकी। तो ये हमारी मिर्ची है, अब भुनने होनी है। बेसन बिल्कुल सिक चुका है अंदर तक, अच्छी सी खुशबू आने लगी है बेसन की। और खटाई वगैरह नींबू वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अमचूर ऑलरेडी डाल चुकी थी मैं। अगर अमचूर नहीं हो तो फिर आप इस वक्त पे इसमें नींबू डाल सकते हैं, लेकिन अमचूर डाल दिया था मैंने तो सफिशेंट है वो खटाई, ज़्यादा भी ठीक नहीं है। तो ये हमारी मिर्चियाँ हो गई डन, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। मिर्ची हो गई है बिल्कुल, ये देखिए। और आपको अगर ये पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।